साला फिर एगो छोड़ दिया, देख रहे हैं जैसे आदमी सबको कब्जियत होता है तो कैसे हवा छोड़ता है, वैसे ही तो मिसाइल छोड़ रहा है। बताइए तो पहले ये वो ख़त्म नहीं हो रहा है कि दूसरा छोड़ दे रहा है। वाह क्या देखिए क्या मस्त नज़ारा है, दोनों पेड़ के बीचों बीच सूरज भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं। सोचे कि आप लोगों को भी थोड़ा सुबह सुबह दर्शन करा दिया जाए। ये देखिए सुबह में और शाम में आप सूरज पे एकदम जो है ना ताक सकते हैं 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के लिए, समझे। और देखना भी चाहिए क्योंकि उससे आँख का रोशनी बढ़ता है और आँख बहुत मजबूत होता है, समझे। और दोपहर के सूरज को आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि बहुत उसमें हार्ड लाइट होता है और वो डायरेक्ट जो है ना सर के ऊपर रहता है, समझे। अगर आप दोपहर के सूरज को देख लेते हैं ना अगर 5 सेकंड के लिए भी तो समझिए आपका आँख बहुत तेज है, देख रहे हैं। अभी देखिए अभी देखने में कितना छोटा लग रहा है, अब बताइए इसमें मतलब हज़ारों को पृथ्वी समा जाएगा, बताइए कितना बड़ा होगा, कितना परफेक्ट एकदम गोला लग रहा है। जय हो सूरज भगवान। देखिए बहुत दिन हो गया था ऐसा नज़ारा देखे हुए, ऐसा व्यू देखे हुए, गजब खतरनाक एकदम नज़ारा है। आगे से साक्षात सूरज भगवान प्रकट हो रहे हैं और हो चुके हैं, समझे। और मज़ा आ रहा है, अभी तो ठंडी है इसीलिए थोड़ा कपड़ा उपड़ा पहने हुए हैं, नहीं तो गर्मी रहता ना तो पूरा ऐसे रहते उघारे पुघारे रहते, क्या है कि जब ऐसे ही रहते ना बिना कपड़ा के तो पूरा शरीर पर सूरज का रोशनी पड़ता, पूरा शरीर पर सूरज का लाइट पड़ता तो उससे शरीर एकदम जो है ना इनर्जेटिक हो जाता, पूरा एकदम शक्तिशाली पहलवान बन जाते। लेकिन अभी जाना होगा, अभी तो मन कर रहा है कि दिन भर यहीं पे रहे पर जाना होगा, समझे कि नहीं। दूध लाना है, दूध नहीं लाएंगे तो फिर बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, समझे। और सुबह सुबह कुछ सुनना नहीं चाहते हैं तो अभी चलते हैं, दूध लेके आते हैं, उसके बाद फिर कुछ काम किया जाएगा, नहीं तो टेंशन में दिन बिताया जाएगा। देखिए देखिए ये क्या तमाशा हो रहा है, ये क्या कांड कर रहा है नेपाल। नेपाल छोड़ रहा है रॉकेट इंडिया पे, देख रहे हैं अभी इंडिया पे छोड़ रहा है कि कहाँ छोड़ रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये रॉकेट छोड़ रहा है ऐसा ऐसा नेपाल की तरफ से आ रहा है ऐसा ऐसा, कितना रॉकेट निकल के आया है, ये है 5वां रॉकेट। और अभी देखिए अभी नीचा में बैठ के अभी यहाँ पे बैठ के खा रहे थे तो वैसे जब ये नज़र ऊपर गया है तो देखें साला ये तो रॉकेट छोड़ रहा है जी। अब लग रहा है कि सेफ नहीं है, यहाँ से अब भागना पड़ेगा, घर के तरफ भागना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। साला फिर एगो छोड़ दिया, देख रहे हैं जैसे आदमी सबको कब्जियत होता है तो कैसे हवा छोड़ता है, वैसे ही तो मिसाइल छोड़ रहा है। बताइए तो पहले ये वो ख़त्म नहीं हो रहा है कि दूसरा छोड़ दे रहा है, गजब खतरनाक छोड़ रहा है। अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को दिखाया ना कि कैसे मिसाइल छोड़ा जा रहा था, धनाधन धनाधन। और देखिए स्टूडेंट लाइफ जिया हुआ बहुत दिन हो गया, मतलब कि बाहर रहते थे तो मतलब जीते थे तो मज़ा बिल्कुल फेन जाए थे, अब फेन एगो मिसाइल छोड़ दिया, फिर एगो मिसाइल छोड़ा, बाप रे बाप। ये तो जिस रफ्तार में हम पालते नहीं है उस रफ्तार से ज़्यादा ही मिसाइल छोड़ रहे हैं, बताइए। फिर एगो छोड़ दिया, हमको लग रहा है कम से कम 60-70 बार छोड़ा होगा ये, समझे कि नहीं। और मिनिमम एक इंसान एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 बार हवा छोड़ सकता है, पर मिसाइल से ज़्यादा छोड़ दिया। तो वही आज स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ जीने का मतलब कि खुद से खाना उना बनाना, तो आज दिन का खाना तो ऐसे ही था घर पे ही, और सोच रहे हैं कि रात का खाना जो है ना खुद से बनाया जाए और खाया जाए, गर्दब उड़ाया जाए। पर देखिए अकेले अगर रहते तब तो भाई अपने हिसाब से बनाते, जो मन करता सो बनाते, शाकाहारी उघारी ही बनाते क्योंकि है शाकाहारी आदमी। अब देखिए अब 2-3 आदमी है तो अब शाकाहारी चलेगा कि मांसाहारी चलता है उसका तो कोई ठीक नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे शाकाहारी, पर जो मिल जाएगा वो तो खाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। नहीं खाएंगे तो फिर भूखले रह जाएंगे, वैसे भी कल रात में नहीं खाए हैं और आज दिन में मात्र एक बार खाए हैं तो बहुत भूख तो लगा हुआ है टाइट, समझे कि नहीं। तो जो मिलेगा सो चलिए चलिए आप लोग को दिखाया जाए कि आज क्या बना है। देखिए आप लोग बताइएगा, खुद बताइएगा कि क्या बना है, हम थोड़ा सा दिखला देते हैं, समझे। इतना दिखा दिए अब नहीं दिखाएंगे, लेकिन वो चावल है ही, सलाद है ही, और आप लोग बताइए क्या बना है, शाकाहारी है। हम तो कह रहे हैं कि शाकाहारी है, आप लोग बताइए कि शाकाहारी है कि मांसाहारी है और क्या है इसमें।